हेलो बच्चों, कैसे आप सब? आई होप आप सभी सही होंगे। हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, लास्ट टर्म तक हमने आपको परचेज, फिर जो हमारा सबसे रिसेंट वीडियो था उसमें हमने आपको सेल्स के बारे में बताया। सेल्स की जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करके बताई, जो भी उसके दोनों टाइप्स होते हैं, नेमली हमारा जो कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स होता है। ठीक है बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक होगा, जैसा कि मैं लास्ट वीडियो के एंड में बता चुका हूं, आज हमारा टॉपिक होगा डिस्काउंट। आज हम डिस्काउंट को देखेंगे और डिस्काउंट के टाइप्स को देखेंगे और उसका क्या जर्नल एंट्री करते हैं हम उसको देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो बिना डिले के हम शुरू करते हैं। जिन बच्चों ने आज से वीडियो देखना शुरू किया है, वो प्लीज पीछे से जाके सारे वीडियोस एक सीरीज में देख के आए, ताकि वो यहां पे आए तो उनको सारी की सारी चीजें एक सीक्वेंस में समझ में आए। ठीक है बच्चों, चलिए आज के टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा डिस्काउंट है। ठीक है, डिस्काउंट डिस्काउंट को बच्चों आप सभी जानते होंगे, इसको हिंदी में या जनरल लैंग्वेज में कहते हैं छूट। क्या कहते हैं? छूट। अब मैं यहां पे लिख भी दे रहा हूं, छूट। हम और आप सभी लोग जानते हैं कि डिस्काउंट होता क्या है। डिस्काउंट एक ऐसी चीज है जो देने पे बहुत खराब लगता है और मिलने पे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो डिस्काउंट जहां पे कि किसी वैल्यू में से कोई प्राइस है, किसी चीज का एक वैल्यू का प्राइस है, उस प्राइस में जो भी रेट होगा उस रेट से डिस्काउंट दे दिया जाता है और जो बचा हुआ पैसा रहता है वही आपको पे करना रहता है। अक्सर आप न्यूज़पेपर्स में या बड़े बड़े होर्डिंग्स में पढ़ते हैं कि 10% डिस्काउंट या 20% डिस्काउंट बिग बाजार में या फिर कहीं भी इस तरीके के, या ऑनलाइन शॉपिंग में भी आजकल आप देख रहे हैं अलग अलग ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स हैं, उसमें अलग अलग डिस्काउंट्स के ऑफर्स आते रहते हैं। तो वो कहते हैं कि इतना परसेंट ऑफ, यानी कि आपका जो भी सामान होगा उस पे इतना परसेंट, कोई सर्टेन अमाउंट का परसेंट रहता है, 10%, 20%, या कोई कोई कहता है कि 500 रुपीज तक की छूट, वो आपको उतना पैसा कम देना पड़ता है, वही आपका डिस्काउंट हो गया। ठीक है, ये तो डिस्काउंट हर कोई जानता है। हमें जो जानना है वो क्या है, अकाउंट में जो उसका डिस्काउंट का ट्रीटमेंट होता है, हमें वो आज जानना है। ठीक है बच्चों, चलिए हम देखते हैं कि क्या ट्रीटमेंट होता है। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हमारा डिस्काउंट कौन से अकाउंट से रिलेट करता है। जैसा कि मैं आपको बार बार बता चुका हूं कि कोई भी अकाउंट में जर्नल एंट्री रिकॉर्ड अगर हो रही है, सपोज मेरे कहने का मतलब कोई भी अकाउंट बना रहे हो या हम जर्नल एंट्री बना रहे हो, बिना गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटेंसी के फॉलो करते हुए हम नहीं बना सकते हैं। यानी कि हमें गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटेंसी जो है हमारा, उसको फॉलो करना पड़ेगा। वही बेसिक और रिक्वायर्ड मैंडेटरी टेक्निक या मेथड है जिससे हम अकाउंटिंग करते हैं, या बेसिकली कहें तो जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करते हैं। तो गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स में मैंने आपको बताया कि नेमली कौन कौन से अकाउंट होते हैं। तीन हमारे होते हैं, पहला पर्सनल अकाउंट, फिर रियल अकाउंट, फिर हमारा क्या होता है लास्ट, नॉमिनल अकाउंट। रूल्स मैंने आपको सबके बार बार समझाए हैं, मैं आपको यहां पे एक बार फिर से सारे रूल्स क्लियर कर देता हूं। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है? पर्सनल अकाउंट कहता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। वहीं पे रियल अकाउंट कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और जो हमारा नॉमिनल अकाउंट है, देखिए नॉमिनल अकाउंट का यूज बहुत कम जगहों पे आपको देखने को अभी तक मिला है, अब आगे आपको नॉमिनल अकाउंट कई जगह पे मिलेगा। तो नॉमिनल अकाउंट की प्रैक्टिस आपको अब करना स्टार्ट करना होगा। ठीक है बच्चों, तो अब नॉमिनल अकाउंट को करने के लिए सबसे पहले हमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि नॉमिनल अकाउंट का हमें रूल भी पता होना चाहिए। तो जरा सा आप नॉमिनल अकाउंट के रूल को याद करिए। नॉमिनल अकाउंट क्या कहता था? नॉमिनल अकाउंट कहता था ऑल द प्रॉफिट्स एंड द गेन्स, सारे के सारे प्रॉफिट और जो हमारा कमाई है,
इनकम है, गेन इनकम प्रॉफिट, ये सारी की सारी चीजों को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। और ऑल द लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, जो हमारे लॉस हो गए या जो हमारे खर्चे हैं उसे हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। ये जो नॉमिनल अकाउंट का रूल है वो कहीं ना कहीं आपको रियल और पर्सनल से जस्ट अपोजिट लगेगा। अगर आपको लगता है कि ये अपोजिट है तो आपको बिल्कुल सही लगता है क्योंकि ये अपोजिट है। अब ये कैसे जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड किया जाता है इस अकाउंट को ध्यान में रखते हुए, उसे हमें देखना है। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि हम नॉमिनल अकाउंट का आपको रूल लिख के एक्सप्लेन करते हैं, फिर हम डिस्काउंट की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले नॉमिनल अकाउंट के रूल को रिकॉल करते हैं। तो जो हमारा थर्ड अकाउंट था वो था नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, जो बच्चे नए हैं उनको डाउट हो रहा होगा तो मैं बता देता हूं, ए ऑब्लिक सी का मतलब ही अकाउंट्स होता है। ठीक है, अकाउंट या अकाउंट, अकाउंट्स कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, ये एक शॉर्ट एब्रिवेशन है जो कि हम अकाउंट के लिए यूज करते हैं, क्योंकि हमें अकाउंटेंसी में बार बार इस टर्म को लिखना होता है, तो हमने ए ऑब्लिक सी ऐसा लिया। ये मैंने नहीं लिया है, इट इज द बेसिक कल्चर ऑफ द अकाउंटेंसी रिकॉर्डिंग। ठीक है बच्चों, तो ए ऑब्लिक सही, ए ऑब्लिक सी कहीं पे भी आपको लिखा हुआ मिले तो आप यही समझेंगे कि इसका मतलब अकाउंट है, राइट। चलिए हम जरा इसके रूल को लिखते हैं। ये रूल क्या कहता था, ऑल द प्रॉफिट या प्रॉफिट्स कह सकते हैं हम, कॉमा इनकम एंड गेन, गेन्स आर क्रेडिट। ठीक है बच्चों, एंड आगे क्या कहता था, ऑल द लॉसेस एंड एक्सपेंसेस आर डेबिट। ठीक है बच्चों, अब मैं आपसे छोटा सा डिस्कशन करूंगा, वो क्या है, देखिए यहां पे हमारा जो अकाउंट है क्या कह रहा है कि सारे के सारे प्रॉफिट इनकम कमाई जो भी है हमारी उसे हमें क्या करना होता है, क्रेडिट करना होता है। ठीक है, और जो हमारा लॉस हो गया या खर्चा हो गया उसे हम डेबिट करते हैं। तो सबसे पहले आप वीडियो को यहीं पे पॉज करके जरा सा सोचिए कि डिस्काउंट जब हम किसी को पे करते हैं तो हमें लॉस होता है या फायदा होता है, या जब डिस्काउंट हम रिसीव करते हैं तो हमें लॉस होता है या फायदा होता है। आप वीडियो को पॉज करके जरूर इसको 2 सेकंड, 5 सेकंड या 10 सेकंड सोचें, फिर वीडियो को स्टार्ट करें। ठीक है, चलिए हम इस अकाउंट को रिकॉल करने के बाद अपने डिस्काउंट की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, और डिस्काउंट में हम देखेंगे कि डिस्काउंट को पे करने पे और रिसीव करने पे क्या जर्नल एंट्री में ट्रीटमेंट होता है। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं, हम इसको हटा देंगे और डिस्काउंट की बात करेंगे। ठीक है बच्चों, तो डिस्काउंट के दो सिचुएशंस हो सकते हैं, या तो हम डिस्काउंट पे करेंगे यानी कि किसी को डिस्काउंट हम देंगे, या तो हम डिस्काउंट रिसीव करेंगे। क्या करेंगे, रिसीव, या तो हमने डिस्काउंट पे किया या तो हमने रिसीव किया। अब बच्चों एक बात बताइए, बहुत कॉमन सेंस की बात है, डिस्काउंट पे करने का मतलब हम यहां पे बिल्कुल क्लियर कर देना चाहते हैं कि डिस्काउंट पे करने का मतलब ये नहीं होता है कि हम पैसा पे कर रहे हैं। डिस्काउंट पे कौन करता है, डिस्काउंट पे करता है सेलर। कौन करता है, सेलर, यानी कि हु सेल्स द प्रोडक्ट या सर्विसेज। तो यहां पे क्लियरली इसको आप ध्यान रखेंगे कि गिव्स सेलर, या इसको हम गिवेन बाय सेलर भी कह सकते हैं। रिसीव कौन करता है, रिसीव्ड बाय परचेजर, यानी कि जो सामान को
खरीदता है वो रिसीव करता है। ठीक है बच्चों, अब इस टर्म को क्लियर करने के बाद कि डिस्काउंट जो होता है वो कोई कैश नहीं है, ध्यान रखिए वो कोई कैश नहीं है, वो एक पार्ट ऑफ मनी है जो कि एक्चुअल कैश में कन्वर्ट हुआ नहीं है, बट इट हैज अ वैल्यू जिसको कि हम सेलर नहीं लेता है, तो वो डिस्काउंट कहता है कि हम डिस्काउंट पे कर रहे हैं। जैसे हम बिग बाजार में जाते हैं और बिग बाजार कहता है कि वी विल प्रोवाइड यू 10% ऑफ ऑन दीज प्रोडक्ट्स, या वो कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट बता देंगे कि आप ये कोल्ड ड्रिंक खरीदें या ये कोई फेस क्रीम कॉस्मेटिक प्रोडक्ट खरीदें तो हम आपको इतना परसेंट का डिस्काउंट देंगे, कहते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, वो कहेंगे कि जितनी उसकी वैल्यू हो उसमें हम कुछ परसेंट पैसा कम लेंगे, उस परसेंट पैसे को कम लेते हैं, वो पैसा हमें नहीं देते हैं, उतना परसेंट हमें डिस्काउंट देते हैं। और रिसीव कौन करता है, जो सामान खरीदता है। एक तरफ बिग बाजार हो गया जो आपको डिस्काउंट दे रहा है, दूसरी तरफ आप हो गए जो डिस्काउंट रिसीव करते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम इसको क्लियरली बताते हैं कि इसको हम करते क्या है जर्नल एंट्री में। तो ध्यान से समझिए आप, अगर एक छोटा सा केस लेंगे, ए सोल्ड अ बुक टू बी फॉर कैश रुपीस 500 ऑन 10% डिस्काउंट। अभी हम इसको इजी लैंग्वेज में ऐसे ही समझेंगे, आगे जाके हमें और देखना होगा। यहां पे सिर्फ कहता है कि ए ने बी को 10% की डिस्काउंट पे 500 का बुक सेल किया, राइट बच्चों। अब एक बात बताइए, बुक कितने की थी, बुक थी हमारी 500 की, उसकी प्राइस 500 रुपीज थी। ये बी की चॉइस है कि वो ए को, सॉरी ए की चॉइस है कि वो बी को 10% डिस्काउंट में बेच रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि 500 रुपीज जो प्राइस है उस पर 10% पैसा वो कम लेगा, उसकी चॉइस है वो कम ले रहा है। या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि मार्केट में सभी कम ले रहे हैं, लेकिन उस बुक की प्राइस कितनी थी, बुक की प्राइस 500 थी। अब आप बताइए 500 का 10% कितना होता है, आप सबको इतना मैथमेटिक्स पता होगा, 500 का 10% 50 रुपीज। ठीक है बच्चों, 50 रुपीज हो गया। अब 50 रुपीज ए कम लेगा बी से, तो लेगा कितना, 500 माइनस 50, 500 माइनस 50 यानी कि कितना, 450। तो आप एक बात बताइए कि ए ने अगर बी को 50 रुपीज का, या कह ले 10% का डिस्काउंट दिया, तो उसको फायदा हुआ या लॉस हुआ, ऑब्वियसली उसको लॉस हुआ। लेकिन हम बिजनेस में बने रहने के लिए, कंपटीशन में रहने के लिए डिस्काउंट्स देते हैं, ये हम एक्सपेक्टेड लॉस मान के चलते हैं। अगर हम 10% का डिस्काउंट अपने ही विल से दे रहे हैं, अपनी मर्जी से दे रहे हैं, तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि हमने 10% का डिस्काउंट देके हमें लॉस हुआ, ऐसा नहीं है। हमने अपनी चॉइस से डिस्काउंट दिया है, लेकिन आपको देखने की बात क्या है कि उस बुक की प्राइस 500 थी जिसपे 50 रुपीज ए ने कम लिया, ले सकता था वो 500, यानी कि उसने वैल्यू कितने की दी है, बुक की वैल्यू तो 500 थी, उसने 500 की वैल्यू दी, उल्टा उसने कितना लिया, सिर्फ 450 लिया, 50 कम लिया, यानी कि 50 रुपीज का उसको कह लो कि लॉस हुआ या उसको कम मिला। तो मैंने बार बार आपको बताया, फिर से रिकॉल कराता हूं कि डिस्काउंट अकाउंट हमारा नॉमिनल अकाउंट के नेचर का होता है, और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, ऑल द लॉसेस एंड द एक्सपेंसेस आर डेबिट। तो अगर ए को 50 कम मिला, उसने 10% का डिस्काउंट पे किया, तो उसको पैसा कम मिला, तो वो डिस्काउंट अगर पे करेगा तो उस डिस्काउंट को वो क्या करेगा, डेबिट करेगा, क्योंकि उस डेबिट के पीछे क्या रीजन है, डेबिट के पीछे का रीजन ये है कि 50 रुपीज का पेमेंट उसको कम मिला है। ऐसा नहीं कि उसको बी ने कम दिया, उसने ऑफर ही ऐसा दिया था। तो आपको यहां पे क्या पता चलता है कि अगर हम डिस्काउंट पे करेंगे
तो हम उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ठीक है बच्चों, अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ द नॉमिनल अकाउंट, जहां पे कि लॉसेस और एक्सपेंसेस को हमें क्या करना होता है, डेबिट करना होता है। अब बात करते हैं हम बी की, जो कि परचेजर है। आप जस्ट ए के अपोजिट की तरफ से सोचिए, ए के अपोजिट बी है, बी को 500 रुपीस की बुक, रिटर्न बुक वैल्यू उसकी 500 है, उसकी बुक की वैल्यू 500 थी, उसको 500 की बुक 450 में मिली, यानी कि उसे 50 रुपीस का फायदा हुआ या नहीं हुआ? आप सभी को पता है बिल्कुल हुआ। तो अगर उसे 50 रुपीस का फायदा हो गया तो क्या करेंगे 50 रुपीस को हम, अगर लॉस को डेबिट किया तो 50 रुपीस के फायदे को हम क्रेडिट ही करेंगे। तो जो रिसीव करता है डिस्काउंट उसको हम क्या करते हैं, उसको हम क्रेडिट करते हैं। ठीक है बच्चों, आपको यह बात समझ में आ गई? ठीक है, यानी कि जब डिस्काउंट पे किया जाएगा तो डेबिट करना है, जब डिस्काउंट रिसीव होगा तो क्रेडिट करना है। ये बहुत कॉमन अंडरस्टैंडिंग की बात है। डिस्काउंट के टाइप्स को देखते हैं कि डिस्काउंट हमारे कितने टाइप के होते हैं। बिना डिस्काउंट के टाइप्स को जाने हम डिस्काउंट के जर्नल एंट्रीज नहीं कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, क्योंकि हर क्वेश्चन के हिसाब से हमें पढ़ के, जैसे हम कैश परचेज, कैश सेल्स या क्रेडिट परचेज या क्रेडिट सेल्स को आइडेंटिफाई करके क्वेश्चन रिकॉर्ड करते थे, जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करते थे, बिल्कुल वैसे ही हमें क्वेश्चन के हिसाब से ये आइडेंटिफाई करना होगा कि ये किस तरीके का डिस्काउंट है। सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ डिस्काउंट देखते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम यहां पे डिस्काउंट के टाइप्स का डिस्कशन कर लेते हैं। बच्चों डिस्काउंट के मेनली या टोटल दो तरीके होते हैं। पहला कैश डिस्काउंट, पहला कैश डिस्काउंट। अब कुछ बच्चों को नेक्स्ट क्रेडिट डिस्काउंट लगेगा क्योंकि वो कैश परचेज और क्रेडिट परचेज पढ़ के आ रहे हैं अभी। नहीं, ऐसा नहीं है। दूसरा डिस्काउंट होता है हमारा ट्रेड डिस्काउंट। देखिए, इट इज अबाउट सीक्वेंस। कहीं कहीं आपको ट्रेड डिस्काउंट पहले मिलेगा, कैश डिस्काउंट बाद में मिलेगा, तो आप सीक्वेंस के ऊपर मत जाइए। मैं आपके थॉट्स को क्लियर करने के लिए कि आप हमेशा कैश डिस्काउंट और क्रेडिट डिस्काउंट ना यूज करने लगे परचेज और सेल्स के जैसे, इसलिए मैंने कैश को पहले और बाद में ट्रेड बताया ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। यानी कि हमारा दूसरा हो गया ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है बच्चों, डिस्काउंट। ठीक, चलिए अब पढ़ते टाइम पहले हम ट्रेड डिस्काउंट को पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, पहले हम ट्रेड डिस्काउंट देंगे, फिर उसके बाद हम कैश डिस्काउंट देंगे। ठीक है, तो पहले हम कैश डिस्काउंट के पहले हम ट्रेड डिस्काउंट्स के क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों अब हम एक छोटा सा अपना, जो बच्चे नहीं लिख पाए हो वीडियो रिवाइंड करके टाइप्स लिख लें। ठीक है, अब टाइप्स को हटा देता हूं मैं, और मैं इसको भी हटा देता हूं, और मैं यहां पे ट्रेड डिस्काउंट मेंशन कर देता हूं। ठीक है, चलिए ट्रेड डिस्काउंट। अब ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है इसको सुनिए। ट्रेड डिस्काउंट बच्चों वो डिस्काउंट होता है जो कि मैन्युफैक्चरर की बात कर रहा हूं, जो सामान को बनाता है, जो मार्केट में उसको बना के भेजता है, वो अगर प्रोडक्ट के साथ ही कोई डिस्काउंट का ऑफर इंक्लूड करता है तो उसे ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। ठीक है बच्चों, मैं इसका आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। देखिए, आपने अक्सर कोई बिस्किट के पैकेट पे या कोई भी प्रोडक्ट पे आपने अक्सर ऐसा देखा होगा, मैं सपोज एक शैंपू के डिब्बे का, शैंपू का डिब्बा होता है ना, उसका एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं।
वहां पे सपोज ये एक डिब्बा हो गया शैंपू का, अब मान लीजिए मेरी आर्ट तो बहुत खराब है, यहां पे ऐसे कॉर्नर में येलो कलर के बैकग्राउंड में लिखा होता है 50 और 50 को ऐसे क्रॉस किया गया रहता है, फिर लिखा रहता है 40, फिर क्या लिखा रहता है 40, यानी कि वो क्या कहना चाहता है कि ये शैंपू अब 50 में नहीं बल्कि 40 रुपीज में मिल रहा है। ठीक है, ऐसे डिस्काउंट जो होते हैं वो ट्रेड डिस्काउंट होते हैं। ठीक है बच्चों, वो कौन से डिस्काउंट होते हैं? ट्रेड डिस्काउंट होते हैं। अब ट्रेड डिस्काउंट को हमने पहचाना, ट्रेड डिस्काउंट का ट्रीटमेंट क्या करना है उसको हम देखते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद हम ट्रेड डिस्काउंट को आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन हमारा क्या होगा उसे हम देखते हैं। ए सोल्ड अ बुक, मुझे हमेशा बुक का ही एग्जाम्पल याद आता है, तो आप लोग बोर मत होइएगा, अपने जगह सामान का नाम बदल सकते हैं आपकी इच्छा। ए सोल्ड अ बुक टू बी फॉर कैश रुपीस 1000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है बच्चों, कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे लिखा भी रहता है ए सोल्ड अ बुक टू बी फॉर कैश रुपीज 1000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। कभी कभी यहां पे लिख देता है एट 10,000 या सॉरी यहां पे 1000 है फॉर कैश रुपीज 1000 और 1000 क्या है, कभी कभी हम लिस्ट प्राइस भी लिख देगा। तो लिस्ट प्राइस क्या होता है? लिस्ट प्राइस उसकी रिटर्न वैल्यू होती है जो उस पर लिखा होता है। ठीक है, तो आप सो कंफ्यूज मत होइएगा, अभी और एग्जांपल्स हम लेंगे तो क्लैरिटी धीरे धीरे आ जाएगी। चलिए, अब यहां पे कह रहा है कि ए ने बी को 10% की ट्रेड डिस्काउंट पे बुक बेचा। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि सबसे पहले हमें क्या करना होगा, 10% का ट्रेड डिस्काउंट निकालना होगा। चलिए निकाल लेते हैं, तो ट्रेड डिस्काउंट को हम टीडी से दिखाएंगे। टीडी निकाल लेते हैं भाई, 1000 का 10% आप सभी को पता है कि 100 होगा, यानी कि 1000 का सामान पे 100 रुपीज का डिस्काउंट। अब होगा क्या, क्या होगा कि बी ले जाएगा सामान ए से 900 रुपीज देके। तो आप मुझे ये बताइए, सेलर जो सामान बेच रहा है वो इस पैसे को अपना लॉस मानेगा? अभी तक जो आपने पढ़ा उसके हिसाब से आपको लगेगा हां, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट यही थोड़ा अलग है। क्या ट्रेड डिस्काउंट कहता है कि डिस्काउंट तो उस प्रोडक्ट के साथ ही मिलके आ रहा है, उस प्रोडक्ट के साथ ही 10% का डिस्काउंट मिला हुआ है, यानी कि ए जो कि सेलर है वो अपनी तरफ से कोई डिस्काउंट नहीं दे रहा है, उस सामान पे ही 10% का डिस्काउंट है। जैसे आप अक्सर आपने देखा होगा, आप मेडिकल शॉप पे जाइए, मेडिकल स्टोर पे जाइए, तो आप दवाइयों पे आपको 10% 20% का खुद से डिस्काउंट देते हैं। तो आप ऐसा बिल्कुल ना मत समझिए कि आपको फायदा हो रहा है या उसको नुकसान हो रहा है, इट इज द रूल। ये बेसिक कोई बना हुआ रूल नहीं है, लेकिन इट इज इन प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस और कल्चर में है हमारे मेडिकल स्ट्रीम के, कि 10-20% कभी कभी 30% भी डिस्काउंट देते हैं। किस पे? दवाइयों पे। ऐसे बुक्स पे भी 10-15% अलग अलग पब्लिकेशंस की बुक, जो पब्लिकेशंस अलाउ करते हैं,
कौन अलाउ करता है? पब्लिकेशन, जो बुक को बनाती हैं, प्रिंट करती हैं, तो मैन्युफैक्चरर हुई वो, तो मैन्युफैक्चरर जब डिस्काउंट देता है तो उसी को ट्रेड कहते हैं। तो ना तो ए इसको 100 रुपीज को लॉस समझेगा, ना ही बी 100 रुपीज को अपना फायदा समझेगा। प्लस ऐसा भी ए या बी नहीं समझेंगे कि उन्होंने 1000 की बुक 900 में खरीदी, वो यही समझेंगे कि बुक ही 900 की थी, इट हैड द प्रिंट वैल्यू ऑफ 1000 बट इंक्लूडिंग 10% ऑफ ट्रेड डिस्काउंट, सॉरी इंक्लूडिंग का मतलब यहां पे उसमें लिखा हुआ रिटर्न, यानी कि इस पे 10% का डिस्काउंट दिया जाएगा। तो ए ना अपने पास से दे रहा है कि उसको लॉस हो, ना बी को अलग से कुछ मिल रहा है कि उसको फायदा हो। बी और ए दोनों को यही पता लगना है कि उन्होंने वैल्यू ही 900 की सेल या परचेज की। ठीक है बच्चों, तो इससे समझ में क्या आता है? इससे ये समझ में आता है कि जो सामान था वो डिस्काउंट कटने के बाद ही सेल या परचेज हुआ है। तो डिस्काउंट की जर्नल एंट्री का क्वेश्चन ही नहीं आता है इसमें। इसमें एकदम इजी लैंग्वेज में कहूं तो नॉर्मल परचेज या सेल्स की ही जर्नल एंट्री होती है, बस ट्रेड डिस्काउंट के अमाउंट को रिड्यूस कर दिया जाता है या माइनस कर दिया जाता है। आइए हम देखते हैं कैसे। अगर हम बात करें ए की, ए क्या है यहां पे? सेलर। फिर बात करें अगर बी की, बी क्या है? परचेज। दोनों के केस में हम देखेंगे, बार बार जरूरी नहीं है क्वेश्चन लिखना कि ए सोल्ड तो बी परचेज में लिखो। ये आपके समझ की बात है कि अगर ए ने बेचा है तो बी ने खरीदा है। ठीक है बच्चों, चलिए ए सेलर हो गया, बी परचेजर हो गया। तो एकदम जनरली आपने यहां पे फॉर कैश देखा तो आपको ये पहचान में आ जाना चाहिए कि इट इज कैश सेल्स। तो जनरली हमें कैश सेल्स की एंट्री करनी है और कुछ नहीं करना है। चलिए कर देते हैं, कैश अकाउंट डेबिटेड, फिर टू सेल्स अकाउंट। क्यों बच्चों? यही तो जर्नल एंट्री होती है हमारी, यही जर्नल एंट्री तो होती है किसकी? कैश सेल्स की। अब मेन बात यह है कि डिफरेंस कहां आएगा? डिफरेंस आएगा अमाउंट में। यहां पे वैल्यू 1000 लिखी थी लेकिन 10% के ट्रेड डिस्काउंट के साथ, तो हमें यहां पे 900 रुपीज शो करना होगा और नरेशन में हमें लिखना होगा बी बुक या गुड्स भी कह सकते हैं सोल्ड एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है बच्चों, बहुत छोटी सी बात थी। हमने क्या किया? हमने ट्रेड डिस्काउंट को क्या किया है? माइनस कर दिया और हमने वैल्यू को दिखा दिया और हमने कुछ भी अलग नहीं किया, नॉर्मल सेल्स की एंट्री कर दी। तो अगर इधर नॉर्मली सेल्स की एंट्री होगी तो बी के लिए नॉर्मल परचेज की एंट्री होगी जो कि कैश परचेज है, तो बस एंट्री कर देंगे हम। एंट्री क्या बनेगी? परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट 900 और 900 लिखेंगे बीइंग बुक परचेस्ड एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया होगा, कोई इसमें मुश्किल की बात नहीं है। ठीक है, चलिए ये तो रहे ट्रेड डिस्काउंट की बात। हमेशा सिंपली आपको ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करना है और कैश परचेज या क्रेडिट परचेज जो भी होगा, या कैश सेल्स या क्रेडिट सेल्स जो भी होगा, उसकी जर्नल एंट्री कर देनी है। ठीक है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल क्रेडिट सेल और क्रेडिट परचेज का भी लेके दिखाता हूं। इस क्वेश्चन में देखिए फॉर कैश टर्म जुड़ा हुआ है, इस वजह से ये कौन सा सेल या परचेज है? कैश सेल या कैश परचेज है।
हम इसमें से ये फॉरकास्ट टर्म हटा दें, जैसे ही हमने हटाया ये क्या बन गया, ये क्रेडिट सेल या क्रेडिट परचेज बन गया। इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। कुछ अलग नहीं करना है, सिर्फ हमें कैश को रिमूव करना होगा। जैसा कि मैंने आपको कैश और परचेज और सेल और कैश सेल या सॉरी कैश सेल क्रेडिट सेल कैश परचेज और क्रेडिट परचेज, इसमें मैंने आपको क्लियरली अलग अलग वीडियो बना के समझाया, आप वहां पे जाके देख सकते हैं कि फर्क क्या होता है। कैश की जगह हम उस सेलर का नाम, अगर हम परचेजर हैं, अगर हम सेलर हैं तो परचेजर का नाम लिख देंगे, सेलर लिखेगा परचेजर का नाम, परचेजर लिखेगा सेलर का नाम। ठीक है बच्चों, तो यहां पे ये क्या लिख देगा, बी डेबिटेड, और ये क्या लिख देगा, टू ए। ठीक है, ये हो गया हमारा क्रेडिट परचेज या क्रेडिट सेल। ठीक है बच्चों, यहां तक आपको समझ में आई बात? ओके, अब हम बात करेंगे कैश डिस्काउंट की। ठीक है, अब हम बात करेंगे कैश डिस्काउंट की। बच्चों कैश डिस्काउंट जो होता है वहीं पे डिस्काउंट की रिकॉर्डिंग जर्नल एंट्री में होना स्टार्ट होता है। ठीक है, और एक बात मैं आपको एकदम क्लियरली बता दूं कि कैश डिस्काउंट जब होगा तो ऑलवेज मर्ज्ड जर्नल एंट्री बनाई जाएगी। मर्ज कह लें, कंपोजिट कह लें, कंबाइंड कह लें, इसके कई नाम हैं, होते सब एक ही हैं। ठीक है, इट इज नॉट ऑलवेज कि हम, इंपॉर्टेंट भी नहीं है कि मर्ज एंट्री ही बनाए, बट टू सेव द टाइम एंड द एफर्ट हम क्या बनाते हैं, मर्ज एंट्री बनाते हैं। तो जिन बच्चों को मर्ज एंट्री टर्म पहली बार सुनने में आया है या उनको इसके बारे में नहीं पता है, वो प्लीज पीछे जाके वीडियो देखें, क्योंकि बिना मर्ज्ड एंट्री के कॉन्सेप्ट को जाने हम क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज आप पीछे जाके मर्ज्ड एंट्री का कॉन्सेप्ट देख के जरूर आइए। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने कैश डिस्काउंट की तरफ। ये हमने हटा दिया, जो बच्चों को नहीं समझ में आया हो वो रिवाइंड करके वीडियो फिर से प्ले कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कैश डिस्काउंट की। ठीक है बच्चों, अब एक छोटा सा हम क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह लिख देंगे, ए सोल्ड, या चलिए ए को इस बार परचेजर बना देते हैं, ए परचेज्ड, ए परचेज्ड अ बुक फ्रॉम बी फॉर कैश रुपीज 2000 एट 10% कैश डिस्काउंट। ए परचेज द बुक फ्रॉम बी फॉर कैश रुपीज 2000 एट 10% कैश डिस्काउंट। बहुत इजी लैंग्वेज में समझा जाए, ए ने बी से क्या खरीदा, एक बुक खरीदा, पैसा दिया, चूंकि फॉर कैश लिखा है तो इट इज कैश परचेज 10% के कैश डिस्काउंट पे। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा पहले करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, 2000 का 10% निकालना होगा। कितना आ जाएगा भाई, ये सबको पता है कितना आ जाएगा, 200। ठीक है, तो 2000 में से 200 हम माइनस कर देंगे, बचा कितना, 1800। अब ध्यान से मेरी बात को सुनिए, यहां पे कैश डिस्काउंट लिखा हुआ है, यानी कि ए जो कि परचेजर है बी से सामान खरीदता है तो बी उसको अपनी तरफ से कैश डिस्काउंट देता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि कैश डिस्काउंट क्यों दिया उसने। जो सेलर्स होते हैं वो अपने बिजनेस में रेगुलर इनकम बनाए रखने के लिए
कैश डिस्काउंट ऑफर करते हैं। और एक छोटा सा फैक्ट जान लीजिए कि कैश डिस्काउंट ऑलवेज कैश पेमेंट पे ही दिया जाता है। अब यहां पे आप कैश पेमेंट का मतलब कैश को नोट से मत समझिएगा, ऑनलाइन पेमेंट, स्कैन पे पेमेंट, जो भी अदर मोड्स हैं उसको भी इसमें इंक्लूड करना है। बट अगर पे किया जाएगा तभी कैश डिस्काउंट होता है। इसी वजह से सेलर क्या करता है, डिस्काउंट ऑफर करता है, कहता है कि 2000 का आप सामान ले लिए हैं, आप मुझे 1800 दे दीजिए। अगर मान लो परचेजर कहता है कि हम आपको पैसा बाद में देंगे, इस समय कम है, तो जो स्मार्ट बिजनेसमैन है वो वेट नहीं करता, वो क्या कहता है, वो सोचता है कि जितना पैसा जल्दी मिलेगा उतना अच्छा है। तो फ्लो ऑफ द कैश बना रहना चाहिए, पैसा आना चाहिए, तो वो क्या ऑफर करता है, कैश डिस्काउंट। कहेगा 2000 का सामान आपने लिया, हम आपको 10% का डिस्काउंट दीजिए देंगे, आप हमको 1800 दे दीजिए। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से समझिए, ट्रेड में क्या था, ट्रेड में मैन्युफैक्चरर देता था, यहां पे कौन दे रहा है, सेलर दे रहा है फॉर द इमीडिएट पेमेंट ऑफ कैश, तुरंत पेमेंट कैश हो, कैश में पेमेंट तुरंत हो। तो फिर से अगेन कह रहा हूं, कैश में का मतलब इट इज नॉट द करेंसी नोट, अदर मोड्स एज वेल, ऑनलाइन या चाहे जो, ठीक है। इस वजह से वो कैश डिस्काउंट ऑफर करता है। तो आप बताइए अगर वो पैसा बाद में लेता तो उसको 2000 मिलता, लेकिन वो तुरंत पेमेंट ले रहा है क्योंकि तुरंत उसको पैसा चाहिए, वो 10% का डिस्काउंट भी ऑफर करता है। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरर जब देता था तब ट्रेड डिस्काउंट था, अब जब सेलर खुद से दे रहा है तो वो क्या है, वो है कैश डिस्काउंट। तो अपने चॉइस से उसने दिया, तो उसके चॉइस से दिया गया डिस्काउंट लॉस माना जाएगा या एक्सपेंस माना जाएगा, उसे हमें डेबिट करना होगा। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया है कि जब डिस्काउंट पे किया जाएगा तो डेबिट है, रिसीव किया जाएगा तो क्रेडिट है। ठीक है बच्चों, अब इस केस में क्या जर्नल एंट्री होती है वो हम देखते हैं। चलिए हम यहां पे वन वन करके बात करेंगे, हम बात करते हैं ए की। ए क्या है यहां पे, परचेजर। क्या है बच्चों, परचेजर। बी क्या है, सेलर। पहले हम बात कर लेते हैं सेलर। सेलर ने 2000 पे 10% का डिस्काउंट दिया, 1800 रिसीव किया, 200 का उसने लॉस या एक्सपेंस बियर किया। ठीक है, तो उसे हमें क्या मानना होता है, लॉस। मैं बार बार बता रहा हूं, अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट। चलिए नॉमिनल अकाउंट का रूल है, अब क्या करना होता है हमें, एंट्री। सेलर को कैश मिलेगा तो डेबिट व्हाट कम्स इन के रूल से कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है बच्चों, कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, अब मैंने बताया कि डिस्काउंट पे किया तो डेबिट करना है। इसके पहले एक छोटी सी बात समझिए, छोटी सी बात क्या है, मैंने ट्रेड डिस्काउंट में बताया कि 1000 का बुक बेचते टाइम ऐसा ए और बी मानेंगे कि उसकी वैल्यू हुई 900 की थी, बट यहां पे ऐसा नहीं है। ए परचेजर है जो ये समझेगा कि 2000 का सामान उसको 1800 में मिल रहा है, यानी कि 200 का फायदा। बी सोचेगा कि 2000 का सामान हम 1800 में दे रहे हैं, यानी कि 200 का लॉस। ठीक है बच्चों, तो यहां से बात क्या निकल के आई कि जो सामान है उसकी वैल्यू नहीं कम होगी, उतनी ही वैल्यू उसकी रहेगी। तो यहां पे हम सीधा सीधा लिखेंगे डिस्काउंट अकाउंट डेबिटेड। ठीक है बच्चों, फिर लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट, यानी कि मतलब क्या हुआ इससे, मतलब यह हुआ कि हमें टू कितने का बेचा सामान, 2000 का, मिला कितना 1800, कितना हमने डिस्काउंट दे दिया 200। समझ में आई आपको बात, डेबिट व्हाट कम्स इन के रूल से कैश हो गया डेबिट, जो कि रियल अकाउंट का रूल है। डिस्काउंट जो कि लॉस है, नॉमिनल अकाउंट के रूल से हमने इसको डेबिट किया। सेल्स जो कि रियल अकाउंट का रूल है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, हमने सेल्स को क्रेडिट कर दिया।
यहां पे नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड सोल्ड एट 10% कैश डिस्काउंट। ठीक है बच्चों, ये हो गई कैश डिस्काउंट की जर्नल एंट्री। ठीक है, अब सेलरों की बात हो गई, अब बात करेंगे परचेजर की। अगर सेलर के लिए ये नुकसान है तो परचेजर के लिए फायदा है। ठीक है, फायदे को क्या करते हैं, क्रेडिट। सेलर क्या भाई रिकॉर्ड करेगा, परचेजर क्या रिकॉर्ड करेगा, परचेजर रिकॉर्ड करेगा परचेज अकाउंट डेबिटेड। ठीक है बच्चों, फिर टू कैश अकाउंट और फिर टू डिस्काउंट अकाउंट। अगेन फिर से देखते हैं कि परचेजर ने कितने का सामान परचेज किया, वो समझेगा कि उसने 2000 का सामान खरीदा क्योंकि उसको 200 का कैश डिस्काउंट ऑफर हुआ ना कि ट्रेड डिस्काउंट। तो 2000 यहां पे जैसा कि हमने सेलर वाले में लिखा था, और यहां पे सीक्वेंस थोड़ा उल्टा हो जा रहा है, इसको यहां पे लिखना होता है, लेकिन ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ स्पेस हम यहां पे लिख दे रहे हैं, आप समझ लीजिए। कैश कैश में हम 1800 लिखेंगे और डिस्काउंट में हम 200 लिखेंगे। मैं इसको थोड़ा क्लियर कर दे रहा हूं, आप आई होप इसको लिख चुके होंगे, नहीं लिख चुके होंगे तो वीडियो पॉज करके लिख लीजिए, मैं इसको हटा दे रहा हूं ताकि अमाउंट ढंग से लिखा जा सके। तो यहां पे 1800, ठीक है बच्चों, सॉरी परचेज में 2000, कैश में 1800 और डिस्काउंट में 200। ठीक है बच्चों, और नरेशन क्या लिखा जाएगा, बीइंग गुड्स परचेस्ड एट 10% कैश डिस्काउंट। अब बच्चों एक छोटी सी बात है, मैंने पिछले ट्रेड डिस्काउंट के पार्ट में बताया आपको कि आइडेंटिफाई करना है कि वेदर इट इज कैश परचेज और क्रेडिट परचेज, या कैश सेल्स या क्रेडिट सेल्स। जब कैश डिस्काउंट की बात आएगी तो इतना आप जरूर समझिए कि ये ऑलवेज कैश परचेज या कैश सेल्स ही होता है। बट कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ये होता है कि कुछ पार्ट पेमेंट का तुरंत होता है कैश में, कुछ क्रेडिट में हो जाता है। तो जितना पार्ट तुरंत डिस्काउंट सॉरी जितना पार्ट पेमेंट तुरंत होगा उतने पे हमें कैश डिस्काउंट तब देना होगा, यानी कि कैश डिस्काउंट ऑलवेज कैश पेमेंट पे ही एप्लीकेबल होता है। ठीक है, सपोज इसने कहा होता कि हम 2000 में 1000 अभी दे रहे हैं, 1000 बाद में देंगे, तो हम 1000 के 10% को देखते हैं यानी कि 100, तो डिस्काउंट कितने का देते, 100 का देते, 900 कैश में और 1000 क्रेडिट में। इसकी इस तरीके के क्वेश्चंस भी हम आगे करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अब ये तो रही कैश डिस्काउंट की बात। ठीक है, अब बच्चों जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा तो हम कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट दोनों को कंबाइन करके क्वेश्चन बनाएंगे, उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और साथ ही साथ पार्शियल कैश पेमेंट या पार्शियल कैश या पार्शियल क्रेडिट के भी जर्नल एंट्रीज करेंगे। ठीक है, तब तक आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, बुक्स से क्वेश्चन लगाइए और आगे नोट्स भी बनाइए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और पढ़ाई पे ध्यान दें। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।